हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेंच सिमुलेटर। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में अपन ने एक बान हाउस बनाया था और बहुत पैसे कमाने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाए थे। तो उसके बाद अपन ने बैंक से लोन लिया और दो पिगीज लेके आए, एक मेल और एक फीमेल। और आज देखेंगे वो दोनों बच्चा करते हैं कि नहीं। सो लेट्स गो। ओके, तो इस टाइम मैं अपने बान हाउस के सामने हूं और अंदर मेरे पिगीज हैं। इनको मैंने खाना डाला था लास्ट टाइम पे और आज मेरी थोड़ी गले की हालत खराब हो रखी है। अगर आवाज फटी फटी आ रही हो तो थोड़ा सा मैनेज करो। और इसमें पानी नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको अपन लेके चलते हैं। ये पिगीज लाए थे अपन पिछली बार, यहाँ पे दोनों पिगीज रखे हैं। और इसके अंदर क्या रखेंगे मुझे पता नहीं है। मुर्गियां रखनी है क्या इसके अंदर? लेकिन मुर्गियों का तो अलग घर बनता है ना। रुक जाओ, इसको बंद करो और इसको ले जाके रखते हैं अपन यहाँ पे। अभी चलते हैं अपन गाड़ी लेके मुर्गियों के पास। मुर्गियां जिंदा भी थी कि नहीं इससे पिछली बार? दोनों शायद मुर्गियां मर गई थी। रॉकस्टर्स क्या होते हैं वो, जो भी होते मुर्गी तो अपनी बहुत पहले ही मर चुकी है। ओके, ये बहुत सूना पड़ा है। और गाइस एक नई चीज पता पड़ी है, रुक जाओ। ये किसी काम का नहीं ना, ये भी किसी काम का नहीं है। इन दोनों को अपन तोड़ते हैं और इनको यहाँ से उठाते हैं। ये देखो, ये यहाँ से कचरा अपन ने साफ कर दिया है और अब अपनी मुर्गियां यहीं रहने वाली है। उससे पहले इसको पैक करो और इसको अपन रखते हैं कहाँ पे रखा जाए, रुक जाओ। इसको अपन रख देते हैं अभी के लिए यहाँ पे, ठीक है। और मेरे को बड़ा घर बनाने की जरूरत नहीं है मुर्गियों के लिए। वैसे बना सकता हूं मैं। मुर्गियों का घर किसके अंदर है, रुक जाओ देखने दो। मुर्गियों का घर ओके, मुर्गियों का घर ये रहा, ठीक है। सबसे बड़ा घर ये है और ये डॉग हाउस है। इसके अंदर क्या है, मेटल बहुत लगने वाला है। तो इसकी जगह पे अपन एक काम कर सकते हैं, इसी घर को बड़ा कर सकते हैं। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। इसको रखो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो भी प्लैंक्स वगैरह फैले पड़े हैं उठाओ और इनको रखते हैं अपन यहाँ। चलो, अभी जो ऐसी वुड्स है ना, वो मेरे को बहुत सारी लानी है और यहाँ पे ऐसे जमानी है। तो इससे क्या होगा कि जो मुर्गियां है ना, वो इसके बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अपन इसको अपन ऐसे राउंड करते हुए यहाँ तक ले आएंगे और ऐसे जमा देंगे, तो अपना यही वाला घर बहुत बड़ा हो जाएगा। और अपन फिर खाना वगैरह बाहर भी डाल सकते हैं। और एक और चीज, बेल्ट में जाने दो मेरे को एक बार। और जो पानी पीने का था ना, वो बड़ा लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यार जो अपन ने अंदर लगा रखा है ना, ये देखो, ये जो लगा रखा है ना, ये डॉग के लिए, जो जिसमें डॉग खाना पीना खाता है। ऐसा लग रहा है मेरे को कि डॉग के लिए है वो, क्योंकि यार मुर्गियों के लिए कुछ बड़ा चाहिए मेरे को। एक सेकंड, वो बड़ा अपने को कहां मिलेगा? ओके, ये रहना, स्मॉल जैसे फूड है ये, स्मॉल फूड यहां लगा सकते हैं। इसको अपन यहां लगा सकते हैं, ये देखो, ठीक है। हां बढ़िया है भाई, रुक जाओ। इसको अपन ने यहां लगाया और ऐसे वाटर वाला भी यहां आ जाएगा। तो इसके अंदर अपन पानी वगैरह डाल सकते हैं और मुर्गियां यहां घूमती रहेंगी, तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना बहुत अच्छा शहर है, अपने जानवर भी बहुत अच्छे हैं, कोई किसी को नहीं खाता है। चलो, तो फिर अभी अपना सबसे पहला मिशन है कि इनको यहाँ जमाना है। बहुत सारे जमाने पड़ेंगे और एक के ऊपर एक जमा देंगे, जिससे कि दो से नहीं निकल पाएगी मुर्गियां, एक से तो शायद निकल भी जाए। बाकी अभी के लिए इन दोनों को उठा देता हूं मैं यहाँ से। चलो, अभी मेरे को बहुत सारी वुड इकट्ठी करनी है, जो कि कहां पड़ी होगी देखते हैं। पानी के बकेट उठाओ, इसको यहाँ रखो, इसमें बैठो और अपना ये स्टार्ट करते हैं और चलते हैं भाई। और आज के दिन भाई पैसा कमाना है मेरे को, कुछ भी करके पैसा कमाना है। पोते का बगीचा पैसा कमाएगा आज। पोते का बगीचा, बगीचे का पोता, नहीं जो भी होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और भाई सामने वाला पेड़ देख रहे हो कितना बड़ा है, रुक जाओ इसको तोड़ के देखते हैं कितना आएगा इसमें से। इसको काटा अपन ने और उधर गिर, उधर, अरे मुंह पे मत कर दे। रुक जाओ, इसमें से कितने निकले देखो भाई, कितनी सारी वुड निकली है। रुक जाओ, मैं ट्रक को ही आगे लेके आता हूँ अपने। गाई ये ट्रक है अपना, गाड़ी नहीं है, आपसे धनो वनो कुछ नहीं है, बड़ा सारा ट्रक है अपना। इसके अंदर बैठो और इसको लेके चलो कहीं भीड़ वाले एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की भीड़, यहाँ लगाओ इसको, ठीक है। ये गाई से पेड़ वापस सूख जाते हैं, क्योंकि देखो अपन ने इसको काटा ना, तो इसके नीचे छोटा सा ही रह जाता है। ये देखो, यहाँ से पेड़ वापस उग जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन कितने भी पेड़ काट सकते हैं और कितने भी पेड़ वापस उगा सकते हैं इसमें। अभी तो इनको रखते हैं यहाँ पे फटाफट। इसको काटो और इसको लो। मेरे को लगता है इतनी वुड काफी होगी। अभी इन सारी वुड्स को लेके चलते हैं अपन उस अपने मुर्गी घर के पास। मुर्गी घर की तरह अपना ये रहा, क्योंकि भाई अब मेरे को मुर्गियों से भी पैसा कमाना है। अभी तो मैंने सारी मुर्गियां मार दी थी, अब नहीं मरने दूंगा भाई। बहुत काम की है मेरी सारी मुर्गियां, मेरे को पता पड़ गया है। क्योंकि मुर्गियों से अंडा जो मिलेगा ना भाई, वो भी अच्छा खासा बिकेगा। और बस ये जो एरिया बना रहा हूँ ना, इतने से मैं अगर मुर्गियों ने अंडा दिया तो मुझे वो दिखेगा और मैं उसे कलेक्ट कर लूंगा। भाई पहले क्या था, ये खुला रहता था और मुर्गी अब चारों तरफ घूमती रहती थी, तो वो दिक्कत वाली बात थी। रुक जाओ यार, एक तो बहुत दूर लगा रखा है। एक सेकंड, इनको यहाँ रख देते हैं, यहाँ से वो नहीं निकल पाएंगे मेरे को जहां तक लगता है। एक दो मुर्गी लाके टेस्ट करेंगे अभी, कोई बात नहीं। पहले गाड़ी में बैठते हैं और वुड्स को पास लगाते हैं। लो अभी लगाना प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4 लग चुकी है ये, 5, 6, 7, 8, 9। अरे भाई कम पड़ गई, मेरे को और वुड्स लानी पड़ेगी। देखो 1, 2, 3, शायद 3 में काम हो जाएगा। ठीक है भाई, देखी जाएगी जितनी लगेगी लग जाएगी। एक अपन यहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसको पैक कर देते हैं ऐसे
डायरेक्ट जो पैक हो रहा है क्या? हाँ पैक हो रहा है, ये लो ये पैक हो गया है। यहाँ बस इतनी एक दो तीन वुड लानी है और अपना काम हो जाएगा। रुक जाओ मैं जाके खुद ही से ले आता हूँ। एक दो तीन, चलो भाई अभी अपन यहाँ पे मुर्गिया ला के डाल सकते हैं। और भाई जैसे तुम सबको याद होगा इससे पिछले एपिसोड में मैंने यहाँ पे लोन लिया था। ये देखो अपने पास हाउस होल्ड बैलेंस 186 का है और लेफ्ट टू रिपे 458 का है। और अभी मेरे को नहीं पता ये लोन कैसे चुकाया जाएगा, पैसे ही नहीं कमाए जा रहे भाई, चुकाऊं तो चुकाऊं कैसे लोन। चलो देखेंगे क्या करना क्या नहीं। अभी अपन चलते हैं अपने बान हाउस पे और यहाँ पे जाके देखते हैं भाई इन लोगों ने बच्चा करा कि नहीं करा। मेरे को लगता है बच्चा करेंगे भाई ये लोग, ठीक है। अब मेल फीमेल का क्या सेंस बनता है, नहीं तो अगर इन्हीं को काट कूट के बेचना है। रुक जाओ हाय भाई दूसरा ये, ओ, मैं डर गया था भाई। रुक जाओ ये मेल है और ये फीमेल है, देखो पता पड़ रहा है ये फीमेल है और वो मेल है। पता नहीं ये कर क्यों नहीं रहे बच्चा। अरे सालो बच्चा करके दे दो, हमारी बैंड बजा दूंगा। बाकी खाना पानी पड़ा हुआ है इनके लिए। आज के दिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना गाय वगैरह लाई जाए, क्योंकि गाय क्या है दूध देगी और दूध को अपन बेच के बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। तो फिलहाल जनरल स्टोर चलते हैं, मुर्गियां लेके आते हैं। मुर्गियों के लिए इतना पैसा नहीं है। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ मैप खोलो। क्या मैं और लोन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता पड़ गया है कि क्या क्या हो सकता है। कार शॉप के पास ही था लोन वाला बंदा। चलते हैं, अगर और लोन मिल पाएगा तो मैं गाय लेके आने वाला हूँ और आज सबसे बड़ा लोन उठाने वाला हूँ। पता नहीं भाई कैसे चुकाना है पैसा, लेकिन चुका देंगे। चलो क्योंकि एक बार गाय आ गई ना। और डियर आई, रुक जाओ गाय की बात बात में करेंगे। डियर 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 डियर, रुक जाओ भाई ये भी पैसा तो देके जाता ही है। अबे रिलोड ने शिट, अबे रिलोड कर ले भाई। इधर है दो दो डियर है, दो दो डियर है। मर गया एक, मर गया एक, मर गया भाई। बैंड बजा दूंगा, तीन गोली में तो नहीं मरा तू। एक, ओ एक में ही मर गया, क्या बात है एक में ही मर गया भाई, परफेक्ट शॉट। लेट्स गो, एक हीरा एक वोरा। मेरी गाड़ी कहां है, मेरी गाड़ी कहां है? रुक जाओ मेरे को गाड़ी लाने दो और इन दोनों को भर के बेचेंगे भाई। हो गई कमाई आज की, हो गई, मजा आ गया। और यहां से लोन भी लेना है मेरे को, यही है शायद लोन वाला एरिया। हाँ ठीक है, कार शॉप है ना इसके पीछे वाला है लोन एरिया। अगर थोड़ा बहुत वो लोन और दे देगी ना मेरे को तो मजा आ जाएगा। अरे हट जा भाई, एक गाय लाऊंगा और एक बैल लाऊंगा। बैल्स एंड गाइस आए मेरी मुर्गी। अच्छा ये रहा भाई एक, ये रहा और ये शायद भाई। अबे यार ये बड़ा हिरन था, तुमने इस हिरन को देखा ना? रुक जाओ अब मैं बताता हूँ दूसरा हिरन का। एक इसको यहाँ रखो, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ दूसरा वाला छोटा था, ये बड़ा था भाई। या तो इसमें भी मेल फीमेल होते होंगे, इसका मुझे नहीं पता। ये देखो ये छोटा है, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो भाई ये छोटा, पता पड़ा ना इसके पास सींग नहीं है, बट मीट दोनों ने बराबर दिया। इसके भी तीन मिले, उसके भी तीन मिले। देखते हैं भाई कितने रुपए मिलते हैं अपने को, ठीक है। गाड़ी चलाओ और यहाँ से चलते हैं अपन डायरेक्ट लोन लेने, फिर चलेंगे जनरल शॉप पे। रुक जाओ लोन वाले के पास जाके आते हैं, पता पड़े भाई पुराना पैसा मांगने लग जाए। पुराना पैसा मांगे इससे अच्छा भाग जाएंगे अपन यहाँ से, ठीक है। रोक ले गाड़ी, रोक ले, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं दो सेकंड ना यहाँ से। क्या अबे, अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ना बैंक भाई, कार शॉप के पीछे ही दे रखा है, जिससे की कार लो और लोन लो। लोन लो का ड्यूरेशन 12 डेज का, इंस्टॉलमेंट 34 देनी है। रीपे कितने कर रहे हैं आज? ये तो पूरा रीपे हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, लोन 500 का लिया था, लेफ्ट रीपे अपने आप कट रहा है, शायद अपने आप कट रहा है। रुक जाओ मेरे, ओके ठीक है अपने आप कट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हर डे एक एक अपने आप कट जाता है और मैं नहीं ले सकता लोन, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि रीपे कर पाऊं। ठीक है अब मेरे पास दो ऑप्शन है गाइस, कि मैं पहले तो लोन रीपे कर दूं और फिर बड़ा लोन ले लूं, या फिर अभी मैं इतने पैसे कमा लूं कि मैं गाय ले सकूं। ठीक है तो देखते हैं, चलते हैं जनरल शॉप पे। जनरल शॉप सामने की तरफ, ये जनरल स्टोर और ये अपना रास्ता उस जगह से जाने का, लेकिन अपने इस रास्ते से नहीं जाएंगे, अपन यहाँ से जाएंगे भाई। बीच में से जाने का फायदा भी है, बीच में अपने को वो मिल जाती है, अगर डियर्स वगैरह होते हैं तो वो मिल जाते हैं। बाकी इसको रखो यहाँ पे, अरे पीछे ले। हेलो दीदी क्या हाल है आपके? आप मेरा जो है ये चिकन ले लो। रुक जाओ सेल पे चलते हैं, और चिकन नहीं मीट, हाँ ठीक है वाइल्ड मीट है अपने पास 90 रुपीज का, सेल करते हैं इसको, बाय में चलते हैं। और काउज इस टाइम अपने पास है 650 और 800 भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने पास पैसे हैं 270 रुपीज, जिसमें अपने को सिर्फ चिकन मिल सकती है, और क्यों ना चिकन ही ले ली जाए, क्योंकि भाई इनके अंडे बेच के कमाएंगे पैसे और क्या करें। बाकी बीफ भी है, भैंस होती है सही, हाँ ठीक है ये काउ ये भैंस है, भैंस और भी ज्यादा महंगी है। ठीक है भाई तो अभी तो मैं सिर्फ चिकन ले सकता हूँ, तीन चिकन ले रहा हूँ मैं, ठीक है तीन चार हो गए, नहीं रुक जाओ चार 200 रुपए क्या रही है। अच्छा ठीक है पांच चिकन ले सकता हूं मैं, बाय में चलते हैं पांच चिकन लेते हैं, ठीक है कार्ट हट में और चेकआउट करते हैं। लेट्स गो भाई पांच चिकन ले लिए, क्या पता ये आएंगी भी कि नहीं आएंगी। आ जानी चाहिए भाई, चिकन तो छोटी छोटी सी होती है। ओके आ जाओ बहुत सारे अंडे चाहिए मेरे को, ठीक है समझ में आ रही है, कोने कोने में रख दूंगा एकदम। एक हो गया दो, और भाई बिना मुर्गे के दे देती है क्या, मतलब ये चिकन जो है मुर्गियां बिना मुर्गे के अंडा देगी कि नहीं देगी? अब ये तो भाई जाके पता पड़ेगा। इतनी सारी मुर्गियां ले आए हूं, बस इन्हें मरने नहीं देना है इस बार मेरे को, क्योंकि इससे पहले कितनी सारी
दूसरी मुर्गी थी मेरे पास चार, जिसमें से दो मेल थे। हाँ देखो ये मैंने लाइन से जमा दी है सारी, और कुछ मैं ले नहीं सकता, इतने पैसे ही नहीं मेरे पास। चलो फटाफट से चलते अपने बगीचे पे और वहां पे जाके इनको छोड़ते हैं, और मेरे को वहां खाने वाने के लिए भी रखना है इन लोगों के लिए। रुक जाओ कहां जाना था, ये रहा मेरा सामने घर है। और नहीं अरे रुक जाओ यार, ये रास्ता ना मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। वैसे रास्ता क्लीन ही है, इतना ज्यादा खराब भी नहीं है। ये अपन आ गए यहाँ पे, और ये जो एरिया है एकदम बढ़िया बना हुआ, इनको उतारते हैं इस बार यहाँ। और भाई मुझे ये देखना है कि ये बस भगे नहीं। ये लो इसे उतारा यहाँ पे, इसे उतारा यहाँ पे, उतारा यहाँ पे, इसे उतारा यहाँ पे, और नहीं जा पा रहे भाई। ये देखो नहीं जा पा रहे ये लोग, सबसे बेस्ट चीज है भाई। अब मुझे इन लोगों के लिए ना बड़ा घर नहीं बनाना पड़ेगा, और ये अंदर जाके खाना खाती रहेंगी। और एक चीज और करनी है मेरे को, रुक जाओ, अंदर जाके इसके अंदर है ना ये जो ये है इसको तोड़ना है मेरे को, तोड़ नहीं पा रहा मैं। लेकिन छोड़ो वो, मैं तोड़ नहीं पा रहा, उसको छोड़ते हैं। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ दो चीजें, एक तो होगी स्मॉल वाटर बाउल जो की होगा यहाँ पे, ठीक है इसको रखते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं बनाऊंगा एक फूड स्टोर, फूड के लिए एक फूड बनेगा यहाँ पे। चलो भाई बेस्ट काम हो गया है। अभी मुझे खाना लाके डालना है, पानी लाके डालना है। पानी के लिए बकेट तो मैं ले आया था ना, ये रही बकेट, इसको उठाओ। और पानी मिलेगा इस वाले घर में, इस वाले घर में। चलो फटाफट से इसको खोलो, अल्लाह भाई पानी दे दे, आ रहा है ना पानी। यार इसमें कैसे पता लगा है कितना पानी है या नहीं है? ये और मिलता है अपने को, जनरल स्टोर पे मिल जाता है, लेकिन अब पता नहीं भाई इसमें पानी कितना है कितना नहीं। जिस दिन भरना बंद कर देगा उस दिन पानी खत्म हो जाएगा। अरे मैं पानी ले आया, ये बनाऊ तो सही। रुक जाओ, बनाया ही नहीं है मैंने। कितना, छह प्लैंक चाहिए इसको, इसको भी छह प्लैंक्स चाहिए। रुक जाओ ये कितने मेरे पास, तीन होंगे। हाँ तीन प्लैंक्स थे, थोड़े बहुत मेरे को वुड लेके आना पड़ेगा। रुक जाओ यहाँ पे पड़ा है क्या, नहीं है। ये मैंने काटने पे लगाया एक वुड, ठीक है तीन चार वुड काट के मेरा काम हो जाएगा जहाँ तक है। यहाँ से ले आता हूँ, बगल में ये वुड मेरे, एक कट गई। ये दूसरी एक में से कितने मिले, एक दो, अरे यार ये तो दो ही मिल रहे, बहुत कम कम मिल रहे हैं। रुक जाओ ज्यादा तो काटने पड़ेंगे पेड़, दो दो चार दो छह। और एक सेकंड भाई, मेरे हार्डवेयर शॉप पे बहुत सारा पड़ा है प्लैंक, वहां से क्यों नहीं ला रहा मैं, वहां पे गलत रख के आ गया भाई। उसको नहीं बेचना, उसको नहीं बेचना मेरे को, वहीं से लेके आने वाला हूँ बाद में। अभी के लिए तो क्या काम हो गया, तीन वुड तो डाल दिए मैंने, एक और डालनी है बस ये, और मेरा काम हो जाएगा। ये लो इसको लगाओ, और इन सबको उठाओ, इसके अंदर इंसर्ट करो, एक बन गया है, इसके अंदर इंसर्ट करो, बस एक ही कट रहा है। और मशीन में बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये दो प्लैंक आ गए, एक प्लैंक डालो इसके अंदर, एक प्लैंक को रखो यहाँ पे। ये है पानी, इसको इसमें फिल कर देते हैं, और ये फिल हो गया पूरा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर खाना लेके आना है, अभी खाना अंदर पड़ा हुआ है, बाकी वहां से मैं लाके रख दूंगा, बाना उसमें पड़ा हुआ है मेरा खाना। बाकी अंधेरा, और अंधेरा हो गया आज के दिन, तो सो जाते हैं। गुड नाइट गाइज, और एक और सुहाना दिन, एकदम सुबह हो गई भाई। आज तो 5 बजे ही सुबह होगी, अच्छा 7 बजे उठे हैं आज अपन। अरे अलग अलग टाइम पे उठता है भाई, कभी 5 बजे कभी 7 बजे। क्या कर रहे हो तुम ऐसे? ओहो भाई लोग उठे हैं, क्या बात है क्या बात है भाई, मैं डर गया। ए, बाहर मत, शिट 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 गाइस, मैंने गलत जगह रख रखा है ये पॉट्स, गलत जगह रख रखे हैं। रुको क्या मैंने किसका सकता हूँ, ई टू फीड। अरे यार मैंने ना एक गलती कर दी, मैंने वुड जो रख रखी है ना उसी के वो गुलमी आई। भगा भगा भाई भगा, अरे कहाँ जाएगा छोटू कहाँ जाएगा। ओके मैंने फालतू में गोलियां बिगाड़ी, एक पे एक ही निशाने में मर गया भाई, मस्त एकदम मजा आ गया। चलो इसको यहाँ मरे रहने देते हैं अभी के लिए। मेरे को जो है वुड लेके जानी थी, मेरे को एक डियर दिख गया तो मार दिया मैंने। बस मेरी मुर्गियां बाहर नहीं निकल जाए, मुर्गियां डर जाती है भाई, जैसी गोली चलती है अगल बगल में मुर्गियां भी भागती है जोर जोर से। बस मुर्गी को मारो तो मुर्गियां कुड़क कू करती है। इसको लगाओ यहाँ पे, अब नहीं निकल पाएंगे अभी, ठीक है ना। हाँ एक और लगाना है यहाँ पे, और लगाना है, और मैं गाड़ी ले चलता हूँ। यहाँ पे मारा था बोरा, यहाँ पे मैंने मारा, इसको पकड़ो। अरे गाड़ी चढ़ गई, सॉरी बड़ी। ये रहा एक मीट, अरे रे कहाँ भाई, पत्थर की तरह काम करते हैं ये लोग, पत्थर की तरह काम करता है ये मीट। पता नहीं ऐसा क्या है भाई इस मीट में, फैलेगा अगर मुंह पे लग गया तो मुंह टूट जाए ऐसा। चलो मीट मैंने रख लिया है, अभी जब भी जनरल स्टोर जाऊंगा जब बेच आऊंगा, अभी के लिए गाड़ी में पड़ रहने देते हैं। गाड़ी से उतरते हैं, ये पकड़ते हैं, और चलो भाई ये भी मैंने लगा दिया है। बस अब तुम लोग अंडा देना चालू कर दो। अंडा आया क्या इन लोगों का कहीं पे? यार एक अंडा नहीं दे रहे, कोई शर्म है इनको भाई। क्या ये क्या है, नहीं ये क्या है मेरे को ये बताओ। रुक जाओ यार, मेरे को ना एक तो बकेट है ना इनकी, हाँ यहाँ बीच में रख देता हूँ मैं, ठीक है। और शायद ही इसलिए नहीं दे रहे, ये बीच में खाना पड़ा है ना, अंडा ये लोग यहीं आके देते हैं, मैंने हर बार देखा है अंडा यहीं होता है। रुक जाओ गाड़ी उठाओ, आए गाड़ी मेरी, मैंने वहां से फूड उठा दिया भाई, थोड़ा बहुत वेस्ट हुआ कोई बात नहीं, फूड उठा दिया मैंने। अब मैं इनके फीडर में लाके डालूंगा जो मैंने नया बनाया फीडर, इसके अंदर फूड लेके आते हैं यहाँ से। इसके अंदर रखा होगा एक शायद, इसको बंद करो, और ये रहा फूड, ये रहा मेरे को पता था यहाँ पे रखा होगा। बाकी भाई तुम लोग खाना खाए जा रहे हो, बच्चा नहीं करा जा रहा तुमसे। इसके बगल में एक नया निशान नहीं आ रहा है ना, अभी ये देखना इसके ऊपर माथे पे ये क्या निशान आ रहा है, क्या पता भाई इसके पे नहीं आ रहा। और ये ज्यादा मोटी नहीं हो गई है क्या, बच्चा होने वाला है भाई, इसका साइज देखो, और इसका चल भी धीरे धीरे रहिए गाइस, बच्चा होने वाला है भाई, मुझे लग रहा है बच्चा होएगा, करो बच्चा करो भाई, ये बहुत बड़ी हो गई है, क्या पता भाई कब, कितनी देर में बच्चा होगा मुझे नहीं पता। रुक जाओ इसको उठाते हैं, और इसको खोलो, इसको करो बंद, इसको रखो यहाँ पे, यहाँ पे, और चलो गाड़ी में चलते हैं भाई। अब अपने पास है ना
पैसे का सोर्स चालू हो गया है। देखो यहाँ पे मुर्गी अंडा देगी, वहां पे वो बच्चे देंगे, बट अभी तक बच्चा आया नहीं है, बहुत दिन हो गए। रुक जाओ, इसको डालना है मुझको इसके अंदर, और मैंने भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया है। बस ये लोग अंडा नहीं दे रहे हैं यार, क्या चाहिए तुमको? दिल टूटा हुआ है क्या तुम्हारा है? इसने दिया अंडा, दिया शायद, नहीं दिया भाई, इधर खा रहा, क्या पता ये लोग अंडा वंडा नहीं दे रहे मेरे को। निकल नहीं पाएगी ना, बस तू ये बता दो, निकल नहीं चाहिए। चलो, और मेरे को सामने एक डियर दिखा है, आज डियर खूब आ रहे यार, लेकिन शेट हट, कोई मतलब नहीं है। मैं चल रहा हूँ जनरल स्टोर पे, ठीक है, और जनरल स्टोर से जाके बंदूकें खरीदूंगा, पहला काम तो ये है। दूसरा काम मेरा है, थोड़ा बहुत मेरे पास मीट है वो बेच दूंगा, बाकी अगर पैसा बचा होगा तो बाद में देखी जाएगी क्या लेना क्या नहीं। ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लो भाई मेरे को खाना भी लेना है भाई, यहाँ से खाना भी लूंगा। रुक जाओ, सेल में चलते हैं, मीट बेचते हैं, अब बाय में चलते हैं। सबसे पहले तो मेरे को क्या लेना था, ये ठीक है, 40 की ये है, मेरे पास पैसा कितना है, अरे यार 28 रुपीज मेरे पास पूरे हैं, और लोन कम हो गया, लोन कट गया मेरे बैलेंस से यार, शिट गाइस, ये तो शिट है। वही अभी मैं क्या करूं, मेरे पास 1 रुपल्ली नहीं है। वो लोग ना चिकन दे रहे हैं, चिकन कह रहा हूं मैं, अंडे दे रहे हैं, कोई बात है भाई। रुक जाओ, मेरे को घर ही थोड़ी इनकी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करता हूं मैं भाई, बच्चा बच्चा दे दें तो मजा आ जाए, मेरे को समझ में नहीं आ रही, करूं तो मैं करूं क्या, इन लोगों से कुछ नहीं हो रहा, मुझे ही करवाना पड़ेगा भाई बच्चा। रुक जाओ एक सेकंड, लाओ कहां है तुम, अरे क्या करना है, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो खाना खाने की आवाज आ रही है, पानी पी रहे हैं आवाज, अरे शिट कर दी गाइस इन लोगों ने, अब यही साफ करो, ये नहीं चाहिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों, अरे मैं काट दूं क्या इनको, काट के बेचना है कि बच्चा करेगा तू बता मेरे को। मोटा तो खूब हो गया ये नहीं हो रहा है, मोटा बेचारा सूखे ही जा रहा है ये, और खाना भी खत्म होने वाला है इसके अंदर से, इसके अंदर पानी तो खूब रखा है यार। तुम बच्चे करोगे नहीं करोगे बताओ, क्या पता भाई ये लोग बच्चे करने ही नहीं आ रहे। रुक जाओ, गेट को करो बंद, मैं चलता हूँ मुर्गियों के पास, यहाँ पे खड़ा करते हैं। और मुर्गियां तुम्हारा क्या हाल है? अरे सब हरामखोर है भाई, पैसा ही नहीं दे रही है कोई सी, एक मतलब पैसा कह रहा हूँ मुर्गी। अरे भाई इन लोगों को छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, अपना घर बनवाने में ध्यान देते हैं थोड़ा सा, घर पे चलते हैं अपने, ठीक है। ये है फार्म हाउस, अच्छा ठीक है, अपना हाउस बनेगा ना जिसके अंदर वुड प्लैंक्स में काम हो जाए, ऐसा कोई घर नहीं है। कंक्रीट इसमें बहुत सारा चाहिए, इसमें कम, इसमें सबसे कम चाहिए, क्यों ना अभी के लिए फिलहाल यही घर यहाँ पे बिल्ड पे लगा देते हैं, बनाने में तो टाइम लगेगा। रुक जाओ कहाँ पे रखें, यहाँ पे लगा दें क्या, ये जो है घर यहाँ लगाए, नहीं रुको मुझे ना शायद एक रोस्टर लाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग अंडा देंगे। तो ठीक है भाई, जब तक ये लोग अंडे वगैरह देते हैं, या फिर मेरे को शायद एक रोस्टर लाना पड़ेगा, रोस्टर के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कमाने का एक नया साधन निकालते हैं भाई, फार्मिंग। अब फार्मिंग अपन करेंगे इस एरिया में, ठीक है, किस एरिया में करी जाए। और अरे ये वुड हवा में लटकती रहती, मेरे को लगता पता नहीं कौन है, छोड़। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फार्मिंग अपन किस एरिया में करी जाए, फार्मिंग यहाँ करें कि वहां करें। यार फार्मिंग के लिए भी अपने को सीड्स लाने पड़ेंगे, और वो सीड्स के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं है, क्या ही बताऊं मैं। रुक जाओ मेरे को देखने दो, कहीं ना कहीं तो मेरे को फार्मिंग के लिए कोई चीज मिल ही जाएगी। रुक जाओ, फार्मिंग के लिए क्या कोई चीज है इसके अंदर? नहीं है इसके अंदर। ओके यहाँ पे कुछ था, अच्छा ये तो बेड वगैरह है भाई, विंड मिल, बेड, स्विच, ड्रिल। ओ ये ड्रिल क्या काम करेगी, ड्रिलिंग ऑफ। अबे अपन तेल निकाल सकते हैं जमीन से, क्या बात है। बाकी गाइस ये रहे पॉट्स, ये रहे, इसके अंदर 18 डालेंगे इसके, और सिर्फ वुड प्लैंक। अबे ये तो अपन पहले बना सकते थे, इसके अंदर सिर्फ वुड प्लैंक डालेंगे। रुक जाओ अपन यहाँ से लगाना चालू करते हैं, 1, 2, 3, 4 भाई अभी के लिए 4 काफी है, और मेरे पास बहुत सारे वुड प्लैंक्स पड़े हैं, जैसा कि तुम सबको याद होगा, ठीक है, हार्डवेयर शॉप पे इससे पिछले एपिसोड पे बहुत सारे प्लैंक्स काट के मैं वहां छोड़ आया था, मैंने कि बेच देंगे पैसा कमा लेंगे, बट नहीं भाई ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं कि अपन प्लैंक से पॉट बना सकते हैं जिसके अंदर फार्मिंग करेंगे। और हार्डवेयर शॉप ये रही, उसी के बगल में कहीं से तो अपन तेल भरा लेंगे, क्योंकि तेल पूरा खत्म हो चुका है मेरी गाड़ी में भी, और मेरी इसमें क्या कहते हैं बाटली में भी। रुक जाओ अब मेरे को जाने तो पहले तो हार्डवेयर शॉप ही चलते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा पेट्रोल की, पेट्रोल है यहाँ पे, ठीक है। कार शॉप पेट्रोल किधर था भाई, अच्छा गैस स्टेशन, शिट गाइस गैस स्टेशन, मुझे पैदल जाना पड़े, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट गैस स्टेशन चलते हैं, क्योंकि बहुत दूर है गैस स्टेशन, और इतना पैसा है कि मैं गैस स्टेशन से गैस भरवा सकूं, कम से कम अपने पॉट में नहीं तो गाड़ी में तो सही, ठीक है। सालों ने गैस स्टेशन इतनी दूर बना के दिया है, इस साले अगर एक बार तेल खत्म हो जाए ना तेरा, तो तू मरे भी तेल नहीं ला सके, हिंदी लोग भाई। हट जाओ भाई यहाँ से, हटो। सबसे पहले तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल भर, ठीक है, गाड़ी में भरना बहुत जरूरी है, गाड़ी में लगाओ इधर, ठीक है, इसको करो ऑन, और ये मेरा पैसा कटना स्टार्ट हो गया। अरे नहीं रुक जा, बस ओके इसमें तो मैंने भर दिया है, अभी इसके अंदर लगा देता हूँ, और इसको ऑन करते हैं, देखते हैं जितना पैसा। ओके 2 ही रुपए एक्स्ट्रा बचे थे जो कि मैंने भर दिया है, इसको उठाओ यहाँ लगाओ, ठीक है, अपनी गाड़ी में फुल हो गया है, टैंक में नहीं भर पाया, अपने पास पैसा खत्म हो गया था। अभी चलते हैं अपन जनरल स्टोर कह रहा हूं मैं, अबे कहां ठोक रहा है, यहां की साइड है हार्डवेयर स्टोर, डायरेक्ट हार्डवेयर स्टोर पे एंट्री मारेंगे, ठीक है। 200 मीटर दूर है भाई, बगल में डियर, भाई इतने सारे डियर मिल रहे ना अब, और मेरे पास गोलियां नहीं है, बताओ मेरी गोलियों में गोलियां नहीं है, मैं क्या ही बताऊं तुम लोग, डियर पे डियर मिले जा रहे हैं, और कल का दिन हो जाएगा, बेस्ट बर्गर आ गए
है अपन तो। अरे नहीं खाना भाई बर्गर, पैसा वैसा नहीं है मेरे। बीच रस्ते से 20 शॉर्टकट ले सकते हैं क्या? पहले लेने दो। ओ शिट, रात होने वाली है। ये शॉर्टकट ले लिया मैंने। और ये आ गए अपन हार्डवेयर स्टोर पे, और हार्डवेयर स्टोर में पीछे पड़ी थी लकड़ियां ना सेलिंग वाले एरिया में। अरे नहीं रात हो गई, लाइट्स ऑन कर। चल भाई इधर चल, इधर चल, इधर चल। ये रही गाइस अपनी सारे प्लैंक, देख रहे हो तुम कितने प्लैंक है? एक सेकंड में दिखाता हूं तुमको। ये देखो भाई प्लैंक्स भर के पड़े हुए हैं। और अब मैं करने वाला हूं भाई फार्मिंग। थोड़ा बहुत पैसा जरूरत पड़ेगी भाई, अब मुझे नहीं पता वो पैसा कहां से आएगा। और अपना पिगी है ना, वो वाला जो मोटा वाला पिगी है, वो प्रेग्नेंट है भाई, मेरे को अभी पता लगा कुछ देर पहले। वो प्रेग्नेंट है, उसके बगल में जो निशान आ रहा है ना, वो प्रेगनेंसी का निशान है उसके। ठीक है इसको यहाँ रखो, इसको लो, इसको यहाँ रखो, तो लो। ए, अब इस टैंक को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? ओ एक सेकंड, टैंक को मैं यहाँ लगा के छोड़ सकता हूँ। अबे अरे गाड़ी में क्यों बैठ गया? इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इसको लो यहाँ रखो, लो इसको यहाँ रखो। भाई सारे प्लैंक मैंने जमा दिए, और देख रहे हो कितने सारे प्लैंक हैं। रुक जाओ अभी एक और बच रहा है यहाँ पे, इसको रख देते हैं। और ये देखो इतने सारे प्लैंक हैं, और तो नहीं ना भाई अगल बगल में? अबे और रे यार ये कहाँ रखूंगा मैं, लेके तो एक साथ ही आया था, कहाँ इसको मैं? चलो भाई रख दिया मैंने कैसे ना कैसे करके। अभी चलते हैं घर पे, और कल के दिन ये प्लैंक्स में लगाने वाला हूँ उस लार्ज पॉट में। और मैं कितने भी बना सकता हूँ देख रहे हो, एक में 18 मतलब क्या कहते हैं, एक में 8 आते हैं 3। ओके एक पॉट के अंदर 3 स्टैक जाने वाले मेरे प्लैंक्स के। ठीक है मैं चलता हूँ अभी पोते के बगीचे। ये अपना पोते का बगीचा ये रहा, और ये बीचों बीच इतनी सारी चीजें हैं, रास्ते से आराम से जाना पड़ेगा। भाई रात का समय है, कोई उठा नहीं ले जाए अपने को, जंगलों में और हैं अपन। अभी पेड़ किसने काटा है बीच रास्ते में? भाई कोई तो और रहता है अपने अलावा यहाँ पे। हट जाओ, हट जाओ, अपना गेट किधर है? बारिश और आ रही है, धीमी धीमी बारिश आ रही है, तेज हो सकती है आज की रात, लेकिन मेरे को जल्दी से जाना है और सोना है। हाँ यहाँ पे सोना है मेरे को, फटाफट चलो। अरे अपन घर के बाहर और सोते हैं भाई, मेरे को सबसे पहले घर बनाना पड़ेगा, जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आएगा वैसे ही, क्योंकि ना घर के बाहर सोना बहुत खतरनाक हो सकता है। चलो अभी जो है मैंने, अरे देख रहे हो तुम, देख रहे हो गाड़ी में कैसे फ्यूल टैंक बगल में लगा रखा है मैंने, एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चलता हूँ मैं। क्या मतलब फ्यूल टैंक खाली है? तो भाई रोको गाड़ी, रोको। अरे आगे कहाँ जा रही? इधर इधर आ, इसको इसमें डालो। ठीक है भाई प्लैंक तो बहुत सारे चाहिए होंगे, 16। ठीक है ये हो गया पूरा, एक पॉट पूरा हो गया है। अभी ये सेकंड पॉट अपना, इसके लिए सीड्स और लाने पड़ेंगे मेरे को। इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ, इसको यहाँ रखो, इसको लो इसमें डालो, इसको लो इसमें डालो, इसको लो इसमें डालो, इसमें डालो, इसको लो इसमें डालो। चलो भाई एक और चाहिए, 8। और ये भी अपना कम्प्लीट हो चुका है। अभी इसके अंदर फार्मिंग करनी कैसे है? ये अपने आप हो जाएगी है? कैसे करें भाई इसके अंदर? सीड्स लाने पड़ेंगे मेरे को शायद, इतना पता है। ठीक है इसको यहाँ उतार के रख देते हैं। बाकी मेरे पास इस टाइम -$42 हैं। अब मैं पैसा कमाऊं तो कमाऊं कैसे ये बताओ। ये और गाइज मैं ये कह रहा था, ये देखो ये जो बंदा है ना अपना, ये प्रेगनेंट है, सॉरी बंदी है ना जो, ये प्रेगनेंट है। ठीक है ये मॉमी बनी हुई है ये वाली, ये देखो ये मॉमी बनी हुई है, बगल में ऊपर निशान आ रहा है। बाकी खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? शिट खाना मैंने ना एक साथ, ओ ओ ओ ओ ओ नहीं 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 नहीं, मर मत जाना भाई, तुम लोग मर मत जाना। देखो मैं सही बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। मेरे पास भाई कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कर्जा चढ़ा हुआ है वो अलग है, ठीक है। और ये अंडे दे दिए भाई, अगर मैं मारने वाला था इनको, मैं मारने वाला था क्योंकि अंडे दे नहीं रहे थे ये। मैं क्या करता? अरे बाहर अंडा उठाओ, अरे तुम लोग है ना तो बाहर आओ भाई, अंडा नहीं उठाने दे रही लोग, बाहर आओ। 3-4 अंडे आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। फिर अंदर, फिर अंदर, अंडा उठा दो भाई, अंडा उठाओ, अंडा रखो, अंडा उठाओ, अंडा रखो, अंडा अंडा उठाओ, अंडा रखो। कितने अंडे हो गए? 5 अंडे हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। इसको लेते हैं और इसके अंदर रखते हैं। अब यार ये 5 अंडे में तो मेरा लोन चुकेगा सिर्फ। इधर आ, कितने हैं मेरे पास? 4 चिकन है ना, इधर 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 देख मेरी बात सुन, एक इधर। अरे कैसे मारूं मैं, कैसे मारूं? है ही नहीं मेरे पास, गोलियां ही नहीं है, मैं कैसे मारूं भाई? मैंने चीजें ला के रख ली है, मैं ना कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास बिल्कुल रद्दी पर। भाई इन सबको हटाओ, इन कचरे को हटाओ, क्या पता थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। ये हटाओ भाई, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, बाकी ये अठाओ। इसको उठाने से पैसा मिलेगा भाई? पैसा तो 1 रुपए ही नहीं मिला है, 1 रुपए ही नहीं मिला है भाई। इसमें बैठो गाड़ी, चल मैं जा रहा हूँ भाई जनरल स्टोर। मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए, क्या कहते हैं, सीड्स चाहिए। किसी एक भी चीज के सीड्स दे दो जो कि मैं उगा सकूं और अपने आप उग जाए, मतलब ऐसा कुछ करना भाई। उसमें पानी वानी डालने को मत बोलना वरना दिक्कत आ जाएगी। अरे लो इसको रखो यहाँ पे, और अंडे की उठाओ, अंडे को उठाओ, अंडे को रखते हैं यहाँ पे। ले भाई इनको ले ले यार, कम से कम 100 रुपए के ले ले, देख मजा आ जाएगा बता रहा हूँ। 100 रुपए का साला मीट नहीं लेता, घंटा ये लेगा। 30 रुपए आ रहे हैं, बताओ लो अब मैं कैसे खरीदूं इसके पास? मुझे खाना भी खरीदना है। अरे यार मेरे को मेरी मुर्गियां मारनी पड़ेगी क्या? क्योंकि मेरे को अपने पिगीज नहीं मारने, सीधी सी बात ये है, मैं जा रहा हूँ अपने मुर्गियां मारने। पैसे कमाए थे अच्छे खासे, घाटे में चला गया मुर्गियां ला के, क्योंकि इनके अंडे देख रहे हो कितने कितने के बिके। 5 अंडे लाया था, 30 रुपए के बिके, 5 रुपए का अंडा भाई। असल जिंदगी से भी सस्ता है भाई, असल जिंदगी में भी 6-7 रुपए का देते हैं कच्चा अंडा, उबला हुआ देते हैं 10 रुपए का भाई, राम खोल लोगे साले। लेकिन इनको मारूं तो मारूं कैसे? अरे भैया,
गाइस गोलियां और खत्म हो रखी है, पैसा है नहीं मेरे पास और ये मरने वाले, मेरे मरने वाले हैं। अब ये भी मरेंगे, लो कर लो, अब जो कर सकते हो ना कर लो, कुछ नहीं कर सकते अब मर के रहेंगे। बाहर मत भागना प्लीज, इसकी फूड हेल्थ आधी है, इसकी फूड हेल्थ। शेट शेट शेट, इधर आ इधर आ इधर आ, मेरे साथ चल मेरे साथ चल मेरे साथ चल, खाना दूंगा तेरे को, इधर बाहर बाहर चल, आजा मेरे साथ आजा, बस थोड़ी दूर जाना है, अपने को खाना मिल जाएगा ठीक है। खाना मैंने डाल के रख रखा है लेकिन मुर्गियां खा नहीं रही है। एक और चीज गाइस, मुर्गियां भी खाना नहीं खा रही है उस पॉट में से, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खा रही है। कोई बात नहीं, ये अबे कहां रह गई, मैं तो धीरे धीरे चल रहा था। चल प्लीज चल चल चल, जल्दी 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 जल्दी, खाना मिलेगा खाना मिलेगा, आजा यार। बहुत दूर बना रखा है मैंने यार, ये फालतू में दूर बना दिया मैंने वो, रुक जाओ इसको लेके आते हैं यहाँ पे ठीक है, जिससे कि खाना खा सके। आजा 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 अंदर आजा अंदर आजा, अरे रुक रुक रुक, इसको उठा के यहाँ रख, इसको उठाओ इसको यहाँ रख, चल भाई आजा आजा आजा, चल अब कोई दिक्कत नहीं, आजा फटाफट से आ जाओ। अबे नहीं पागल है क्या तू, मुर्गिया और बकरी है मेरी, इधर इसको उठा और इसको रख यहाँ पे ठीक है। अब भाई खाने लग गया खाने, ओह शिट भाई खाना खाने लगा है यार, मेरे को ना थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। अरे अरे पागल है, जब खाना यहाँ मिल रहा है तो यहीं रहना, क्यों माथा फोड़ी कर रहा है। देख देख, शर्म नहीं, समझ नहीं, कुछ नहीं है, इधर रह, समझ में नहीं आ रही है, समझ में ही नहीं आ रही। अरे चोमू प्रसाद अंदर, अरे इधर आ जा, इधर ही रह, समझ में। देख फिर चल पड़ा, चक गई है क्या तेरी, भाई कैसे ना कैसे करके इनको जमा दिया है और वो अब तुम इधर आओ ठीक है। अरे शिट हिट कर दी फिर से मैंने, अभी निकल जाएगा है ना साले। चोमू प्रसाद वापिस अंदर, अब तो नहीं निकलेगा अभी ठीक है। इतनी मुर्गियां, एक दो तीन चार, एक मुर्गी गायब है। किधर है भाई एक मुर्गी किधर है, शिट लो एक मुर्गी गई, एक दो तीन चार पांच, अच्छा पांचों मुर्गी अंदर ही है अभी। भाई ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसको खाना मिल जाएगा टाइम टू टाइम, उसको भी तो लाना पड़ेगा यहाँ पे। अरे शिट, कहाँ है भाई ये दूसरा, कहाँ है, इधर है इधर। तेरी फूड हेल्थ भी कम हो रखी है मुझे पता है। टू लार्ज टू लोड लार्ज एनिमल अनलोड है जी, अबे व्हीकल को अनलोड कहने को क्या, अबे व्हीकल तो अनलोड, ये पागल है क्या तू, अभी बड़ा हो गया क्या पिगी, इधर अभी पिगी इसमें आ ही नहीं रहा, ये क्या बात होती है, क्या मैं पिगी इसको मार सकता हूँ अब। अरे ये पिगी छोटा आया था, मतलब अपन ने खिला पिला के बड़ा कर दिया है, इसको मार सकते हैं शायद, अपन मार के बेच सकते हैं, बट मारने के लिए गोलियां होनी चाहिए। देखो सीधी सी बात ये है, जो कि गोलियां मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूं, खाना दे के और बड़ा करता रहता हूं और तो क्या ही करूं भाई। इधर फिर बग्गा आराम खोर, इधर मैं भाई एक चीज बनाता हूं, देखो कि बाहर से अंदर तो आ पाएंगे लोग, बग अंदर से बाहर नहीं जा पाएंगे। आजा 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 अंदर आजा अंदर आ, पागल है क्या, अंदर देखना देखना अभी उचकता ही रहेगा, अंदर अंदर। अरे तेरे चक्कर से दोनों बाहर हो लिए, अरे आजा अंदर आम का, इधर भाई। अरे क्यों भाग रही है यहाँ से, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, कोई गलती कर रखी है मैंने। अंदर अंदर देखना देखना, हवा हवा बना रखी है हवा। चलो भाई दोनों को फाइनली कैसे भी करके अंदर रख दिया भाई मैंने, इसको हटा देता हूँ, किसी काम का नहीं था। चलो अब ये दोनों खाने लग गए यहाँ पे खाना ठीक है, लेकिन जैसे जैसे खाना खाएंगे वैसे वैसे मेरी, ओह शिट ये तो शिट हो गई। अब मैं करूँ क्या यार, मतलब मेरे को एक ही दिन में पैसा कमाना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि कल के दिन तो वापस से बैंड बजेगी भाई। मैं घर से कुछ बेच नहीं सकता क्या, लोन लेके तो गड़बड़ हो गई भाई। ग्रैंडफादर मैं तुम्हारे बताई हुई चीज को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। इधर यहाँ पे क्या रखा है, इसको प्लैंक उठाओ, प्लैंक बेच के आओ भाई, प्लैंक बेच के आओ, मेरे पास दो पेटी प्लैंक पड़े हैं। मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी वहीं रखी है। चलो एक दो रुपए का बिकेगा ठीक है, एक दो रुपए का बिकेगा, जहां तक है मेरे को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाना चाहिए। इसको यहाँ रखो, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, गाड़ी चलाओ। गाइस प्लैंक के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत वुड भी ले आया हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं ये वुड काट के पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन देखी जाएगी भाई देखी जाएगी। थोड़ी बहुत तो वुड काटता हूँ मैं, रुक जाओ, क्योंकि जिसमें जितना पेट्रोल है ना उतना तो मैं वुड काट सकता हूँ। लो मेरे को ना आज आज के दिन ही पैसा कमाना पड़ेगा कुछ भी करके, कल के दिन वरना वापस लोन कट जाएगा और ये लोग भूखे मरेंगे, पक्की बात है भूखे मरेंगे। अभी के लिए तो फूड फुल है इनका और यहाँ पे खाना खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। इसको लगाओ, इसको यहाँ रखो, रुक जाओ, इसको यहाँ लगाओ, गाड़ी बंद करो और इसको यहाँ, इसको यहाँ। भाई क्या इतनी वुड में आज के दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा, एक प्लैंक के साथ दो रुपए मिलते हैं। देखो एक दो तीन चार पाँच छह प्लैंक्स हैं ये ठीक है, इसको खोलो, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है, चौदह प्लैंक्स तो ये हो गए। इसको खोलो, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इक्कीस प्लैंक्स है भाई, इक्कीस प्लैंक्स है और मेरे को जहां तक मालूम है एक दो का बिकता है और मेरा एक पे की बाहर। अरे अरे यार इधर आ भाई, क्या पता ये कैसे गया एक बंदा बाहर, मुझे नहीं पता। छोड़ो इस पे फोकस करने की जगह इस पे फोकस करते हैं, पिगी कहीं नहीं भगने वाला है ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 27 प्लैंक हो गए गाइस ठीक है, 27 प्लैंक हो गए हैं। इसको उठाओ, इधर आ, ये भाग ही जाएगा भाई, ये भाग ही जाएगा, वहां पे अपनी वुड कट रही है। रुक जाओ, इसको ना इसको अंदर रखते हैं, इसको खाना खिला देंगे भाई, इससे पिछली बार यहां दो पिगी मरे मुझे पता है, अच्छे से पता है। इसको उठाओ, इसको ऑन करो, यहां रखो, इसको बंद करो। चलो ये 27 प्लैंक्स हो गए थे, 27 28 29 30 ओके 60 रुपए आ जाएंगे यहां से और मेरे पास
12 रुपए शायद मैं बंदूक की गोलियां तो उपे, अरे कैसे निकल रहे हैं भाई ये यार, तू माँ बनने वाला समझ में नहीं आता तेरे को, मतलब बनने वाली है मुर्गिया, मुर्गी अंदर है सारी ठीक है, क्योंकि भाई अब मेरे को गोली का इशारा लेना पड़ेगा, गोली से एक पिगी मारूंगा मैं, एक पिगी मारूंगा मेल वाला फीमेल नहीं मारूंगा ठीक है। इसके अंदर पड़े हैं बहुत सारे अंडे पड़े हैं, वो भी बेचेंगे, उससे पहले 30 हो गए थे और ये 3 और है ठीक है, चलो इनको जमाते हैं, यहाँ पे इसको जमाओ, यहाँ पे इसको जमाओ, यहाँ पे इसको, यहाँ इसको, यहाँ अंदर चलो अंडा उठाओ, और अंडे की वो कहाँ बके, शिट, अरे नहीं भैया अलग गलती कर दी, मैं ऐसे लेके आऊं, ऐसे लेके जाऊं अंडे, ऐसे लेके जाने पड़ेंगे, रुक जाओ, एक एक अंडा रख के लेके जा रहा हूँ, देख रहे ओए भाई टूटा तो नहीं, नहीं 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 टूटा नहीं है गाइस, टूटा नहीं है, और गाइस इनको भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा अंडा फर्टिलाइज है कि नहीं है, भाई ज्यादा का बिक नहीं रहा है, मैं कोई सा नहीं बेच रहा ठीक है, लाओ दो सारे, लाओ सारे लाओ इधर, और शायद जो फर्टिलाइज होता है उसके लिए उसकी माँ भगती हुई मारती है अपने को, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कोई भी नहीं बेच रहा, 15 रुपए कमा के क्या करूंगा, लेकिन 15 रुपए कमा के बहुत कुछ हो जाएगा यार, 15 रुपए कमा के बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, 15 रुपए तो वो गए, और 5 रुपए यहाँ पे पड़े, अरे अरे मुर्गियों तुम्हारी ऐसी ना भाई, यहाँ पे एक ओके एक अंडा, ये रहा 2 अंडे पड़े हैं, हटो 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 यहाँ रखो, एक सफेद अंडा है, सफेद अंडे को भी ले दो, ये अंडा लिया भाई, ये लो 25 रुपए हो गए, ऐसी थोड़ी है, बैठो गाड़ी में, बैठो गाड़ी में, बैठो जल्दी चलो, जल्दी चलो, बस हार्डवेयर शॉप पे क्या कहते हैं, जैसे हार्डवेयर शॉप पे मीट बिक गया था वैसे जनरल स्टोर पे ये वुड बिक जाए ना तो मजा आ जाए, देखते हैं अभी वो तो भाई अब देखेंगे तभी पता पड़ेगा, और पहले मार्क करने दो मेरे को जनरल स्टोर, रात हो उससे पहले मेरे को बंदूकें खरीदनी है, हट जाओ सारे के सारे हट जाओ, देखो टोकरी में यही छोड़ गया था इससे पिछली बार, इसको उतारो, चल भाई चल चल, ये ले ले, देख मैडम हो, मैडम मेरी बात सुनो, ये मैं लाया हूँ कुछ चीजें, और प्लैंक बिक रहे हैं, लेट्स गो सेल ऑल, नहीं बास्केट नहीं करनी है, इनको सेल करते हैं, और 5 अभी मेरे पास कितने रुपए हैं, 83 रुपीज आ चुके हैं मेरे पास, लेट्स गो, बंदूक की गोलियां कहाँ है मेरी, गोलियां लोलियां ले लो, एड टू कार्ट, खरीदनी भी होती है कार्ट में से, 80 रुपए की गोलियां हैं, अबे 2 तो कब ऐड करी मैंने, एक ही दे दो भाई बहुत है, एक के अंदर 24 गोलियां आती हैं, 40 की मैंने चेकआउट कर ली है ठीक है, इसके बाद मेरे को वो लेने थी सीड्स, लेनी थी सीड्स, सीड्स मिलेगी, टमाटर उगा सकता हूँ 30 रुपए के हैं, 10 रुपए के पंपकिन है यार, कौन से सही उगेंगे और जल्दी कौन से उगेंगे, ग्रेप्स उगा सकता हूँ 70 के हैं लेकिन यार, 20 रुपए की ये है भाई, 30 रुपए का मैं ना टमाटर ले रहा हूँ, ये उठाओ और चेकआउट, चल भाई थैंक यू मैडम, अभी अब पैसे की जुगाड़ हो गई भाई, अब पैसे की जुगाड़ हो गई है, अब मैं शायद लोन, अबे कहाँ है सामान, कहाँ है मेरा, मेरे नीचे होगा पक्की बात है, हटो, अबे सामान कहाँ है मेरा, गाइस व्हाट इज दिस शिटिंग फक, अबे यहाँ भाई ये तो अब इनका एरिया भी नहीं है, ये क्या बात हुई, यहाँ फेंक रखा है इनने, इसको उठाओ यहाँ रखो, बट गोलियां नहीं है मिली है मेरे को, रुकना, कहाँ रखी भाई इन लोगों ने गोलियां, अबे गोली कहाँ है, गोली तो मैं, ओह ये देखो भाई, किसी आदमी को गोली मिले ही नहीं, पागलपंती करते हैं खुद, दुनिया भर की पागलपंती करवा लो इस साले, जब यूं तो नहीं थैली वेली में देते, थैली के भी 5 रुपए अलग से ऐड करेंगे, इसलिए फेंक ही देते हैं कि ले भाई भाई, अब मेरे को ना सबसे पहले तो ये उगाना कोई दिक्कत नहीं है, अरे शिट नहीं कर दी मैंने, एक और बड़ी वाली शिट नहीं कर दी मैंने, कोई बात नहीं, आज के दिन में थोड़े बहुत और पैसे कमा लूंगा, मेरे को खाना लाना चाहिए था, E2 प्लांट सीड, अच्छा 2 जगह उगा सकता हूँ, E2 प्लांट सीड, अभी कितने सीड बचे हैं इसके अंदर, अच्छा 10 सीड होते हैं ठीक है, इसको यहाँ रखो, 2 सीड बचे हैं ठीक है, चलो 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 चलो, अभी मुझे और पैसा कमाना है, वो मैं कैसे कमा पाऊंगा मैं बताता हूँ, मैं कैसे कमा पाऊंगा, एक सेकंड रुको, मेरे को बस कितना पैसा कमाना मैं बताऊँ, मुझे पैसा कमाना है ये 13 रुपए हैं, और बंदूक कहाँ है मेरी, इसे करो रीलोड, या तो मुझे देखो डियर दिख जाए, अभी की अभी सीधी बात ये है, डियर कहीं दिख नहीं रहा है, चल अबे हाँ अब मरा, इसको खोल, चिकन उठा, और एक चिकन शायद कितने का बिकता है, 30 रुपए का तो पूरा था ना, 50 रुपए का पूरा था, अरे मत भागो एक दे दो मुझे बस, चलो हो गया काम, 3 पड़े रहो, 3 कोई दिक्कत नहीं, 3 रहो तुम लोग यहाँ पे रहो, ये मैं यहाँ रखता हूँ, और अभी चलो मुझे खाना लाना है थोड़ा सा, अरे रुक भाई रुक, करना मुझे आज की रात ही होगा, क्योंकि वरना वो 13 रुपए माइनस में चले जाएंगे ठीक है, और माइनस में गए फिर मैं पैसा कमा नहीं पाऊंगा, चल जनरल स्टोर कहाँ है, ये जनरल स्टोर है यहाँ की साइड, मैंने रखा यहाँ पे, और ये मैं गया अंदर, दीदी आज रात में बैठी है देख रहे हो, दीदी रात भर काम करती है, चलो सेल में चलते हैं, चिकन सेल करते हैं, और कितने का गया वो, अरे कितने का गया, अरे 61 आ गए अपने पास, पता नहीं कितने का गया वो, ये करते हैं कार्ट में 2 ऐड है ना, इसको करते हैं चेकआउट, लेट्स गो भाई, आ गया भाई खाना, आ गया अपने पास खाना आ गया है, और कहाँ पे आया है, अरे ये देखना, चलो एक तो मिल गया मेरे को, एक तो कल भी ले जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं, कहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को, यहीं कहीं तो बाहर ही फेंका होगा साड़े ने, यहाँ फेंका, अरे बाहर क्यों फेंक रहे, मैं इनकी गुद्दी लाल करूं, यहाँ रखो गाड़ी चलाओ, चलो भाई अब कोई दिक्कत नहीं, अब जाके सोएंगे, मेरे को लगता नहीं पिगीज मरे होंगे इतनी देर में ठीक है, पिगीज के पास चलते हैं, पहले पिगीज का काम करेंगे तभी सोएंगे, सोने को तो अभी क्या कर रहे हो, और शायद अपने पिगी माँ ने बच्चा दे दिया होगा ठीक है, अपना घर है यहीं कहीं घर है, ओके ये आ गया अपना बान हाउस में रोको गाड़ी ठीक है, इसको उठाओ, इसको खोलो, इसको भी खोलो, चलो अभी इसके अंदर मुझे खाना डालना है, ये मैंने खाना डाल दिया, पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है, चलो अभी जो है इस बकेट को लेके चलते हैं, इसको उतारता हूँ मैं
यहाँ पे खाने को, ठीक है गाड़ी में बैठो और इस गाड़ी को लगाओ सबसे पहले यहाँ पे। और अगर इन लोगों का फूड कम्प्लीट होगा ना, मतलब थोड़ा बहुत फूड होगा ना, तो मैं इनको नहीं लेके जाने वाला अभी। कहाँ पे ये? ओके सो रहा है ये। दूसरा कहाँ है? दूसरा यहाँ सो रहा है। ओके दोनों का फूड कंप्लीट है, दोनों का फूड कंप्लीट है। अपन सोते हैं, कल के दिन इनको वहां पे ले जाके रख दूंगा जिससे कि ये लोग मरे नहीं। बस कंप्लीट नहीं है फूड, एकदम हल्का हल्का सा है भाई। खोल खोल जल्दी चल, है ना। इस बकेट को जो है उठा और यहाँ रख दे। ये गेट खोल, ई टू मैनेज। खड़ी हो भाई, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। शिट, अरे पैदल पैदल लेके जाना पड़ेगा। चल चल चल, कोई बात नहीं, आ जा यार। बड़ा ट्रक खरीदना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये इनको मैं ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकता, इतने बड़े पिगीज हैं ये अपनी छोटी। अरे देखना देखना देखना, आजा आजा आजा, गोरे रंग सम आजा, हो जा गोरी लोला, गोली लंगोला लोला। हां भाई आजा। अब मेरा ना फूड का इंतजाम हो गया है, फूड मतलब क्या कहते हैं पैसों का इंतजाम हो गया है, क्योंकि ये जो हो गएंगे ना बस, अब मेरा कितना भी लोन हो मैं सारा चुका दूंगा। मुझे शायद मारने की जरूरत भी नहीं है, मैंने वो दो मुर्गे भी गलत मारे, एक मुर्गे में काम हो जाता। ले भाई इसको छोड़ो यहाँ, अब तू खाना खा लियो आराम से, खाने के लिए बच्ची है यहाँ पे जगह, इसको करो बंद। एक और मुर्गा लेके आना है, मुर्गा रखे। अरे मुर्गा नहीं भाई, पिगी। और क्या मैं उस पिगी को मार दूं और उस पिगी को बेच के और पिगी ले आऊं मैं? बाकी यहाँ पे है ना मुर्गियां है ना भाई, डर गई थी तुम कल, मुझे पता है। पोटी निकाल दी तुमने, पोटी होगी भाई, डर के मारे पोटी होगी। शिट होगी शिट, अंदर कोई अंडा नहीं है। ला भाई दूसरा पिगी भी दो, दो चार पिगी तो होने चाहिए। अच्छा और यही फीमेल वाली है और इसी को नहीं छोड़ के आया हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फीमेल वाली को ही छोड़ना था सबसे पहले, फीमेल ही नहीं छोड़ी मैंने। चल भाई चल, आती रहे आती रहे आती रहे, कोई बात नहीं। अब खाना खूब है, खाना दो पेटी ले आया हूँ, और जब तक वो दो पेटी खत्म होगा ना, जब तक खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म क्या कहते हैं, बच्चा बच्चा हो जाएगा, काम वाम हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। भाई ये बच्चा कर ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया, प्रेगनेंट ही रही है पूरे दिन। अरे बाहर कैसे आया तू? इसको खोलो, ठीक है तू इधर। साले बाहर सैर कर रहा तू, बाहर की सैर करेगा? बंद करो, खोलो अंदर, बंद करो। चलो भाई लेट्स गो, काम हो गया अपना, ठीक है। अभी लोग यहाँ पे खाना खाते रहेंगे, खाना पड़ा है खूब सारा, और खाना ला के डाल देता हूँ 14, ठीक है। इसको उठाओ, और नहीं यार वहाँ पे भी तो खाना डालना है, मुर्गियों के पास भी तो। मुर्गियाँ खाना खा रही है कि नहीं पता नहीं, बाकी ये माँ खाना पीना खा लेगी। इसको मार दूं क्या? पता नहीं भाई, अभी के लिए नहीं मार रहा मैं, अभी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है इसलिए नहीं मार रहा। पैसा तो क्या, ये -41 में है अपन इस टाइम, तो पैसा तो नहीं है। बट अब ये देखते हैं भाई इसमें क्या चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टोमेटो है, तो इसको पानी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पता नहीं भाई। सनलाइट मिल गई शायद, सनलाइट 100 out of 5% मिली है। पानी वानी क्या मुझे डालना है क्या इसके अंदर? E2 रिमूव, नहीं भाई रिमूव तो नहीं करना है, देख उगते रहो तुम लोग। पानी तो आ तो रहा है, पानी क्यों नहीं फिल हो रहा? ठीक है भाई धीरे धीरे करके शायद फिल हो जाएगा अपने आप। बाकी भाई इन मुर्गियों को मैं बाहर निकालता हूँ, और जो है ये लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं देखने दो। खाना तो खा रहे हैं, देखो कुछ भी हो जाए खाना तो खा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से खा रहे हैं बट खाना खा रहे हैं लोग, क्योंकि इनकी हेल्थ बार फुल है। इधर आ भाई, ओए हेलो बड़ी। चलो मैं यहीं से इनकी पूप साफ कर देता हूँ। और भाई ये डर गए अभी के लिए, तो अंडा देंगे नहीं, ठीक है अंडा दो बस जल्दी से। और तीनों की फूड है, अरे यार यहाँ फूड नहीं रखा हुआ ना इसलिए कम है इनकी फूड है, ठीक है अभी के लिए मेरे को वहीं रख रहने देना उस एक फूड को, क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, जैसे पैसे आएंगे वैसे मैं कुछ करता हूँ। बट जब तक पैसा कमाने का एक ही साधन है भाई, इसको करो ऑन, इसको लगाओ यहाँ पे, ठीक है और कोई ऑप्शन नहीं है। अपन वुड काट काट के भी भाई कितना पैसा लाएंगे, अपन ने बिगी को इतना खिला दिया है कि उसी को काट लेते हैं अपन, क्योंकि एक जो प्रेग्नेंट है ना उसको नहीं काटने वाली। ये बहुत बड़ा हो गया है भाई, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। देखो ये तो जो है काम का है, इसको मार सकते हैं अपन। इधर आ, इसको लेके चलते बाहर, उनके सामने नहीं मारेंगे नहीं तो वो डर जाएगी, फिर बच्चा बच्चा नहीं देगी। रुक जा, इसको करो गोली से समाप्त, ठीक है चलो इसको खोलते हैं। और इसमें से कितना सारा ये निकला है मीट, और इसको रखते हैं भाई एक एक करके यहाँ। इसको बेचेंगे ना तो खूब सारा आ जाएगा पैसा, हिला पिला के करो और भाई फिर बेचो, देखते हैं भाई इससे कितने रुपए मिलते हैं। इससे अगर अच्छे खासे पैसे नहीं मिले ना तो भाई कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये एक आता है 300 रुपए का। इससे और अपन ने इसको इससे पिछली बार छोटे में मार दिया था, तो अपने को ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, और ज्यादा ये निकला भी नहीं था माल। इसमें से खूब सारा माल निकला है, 2 के बराबर माल निकला है भाई, देखते हैं बिकेगा कितने का। लेकिन ये तो रखा ही नहीं जा रहा भाई पूरा, पक्की बात है भाई डबल से भी ज्यादा बिकने वाला है, लेकिन रखा तो जाए। ओके एक के ऊपर एक तो मैंने रख दिया है, उसके बाद दूसरा देखते हैं भाई। इससे ज्यादा तो ये रखे ही नहीं जा रहे, इसको छोड़ो यहाँ पे, ठीक है बाद में देखेंगे ये और बेच देंगे। अभी यही देख के आते हैं भाई कितने का बिकेगा, ठीक है। और शिट एक तो बाहर निकल गया, ये क्या हुआ? इसको मैंने अच्छे खासा रखा था, इसको इधर रखो। अब चलते हैं, चलो भाई मैं जनरल स्टोर आ चुका हूँ, इसको लगाते हैं यहाँ पे गाड़ी को, और इसको बेच के देखते हैं भाई कितने का बिकता है। जो तो अभी मैं पूरे नहीं लेके आया हूँ, मैं पूरा मीट नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी पे रखा ही नहीं जा रहा था। सेल में चलते हैं, 270 का बिक रहा है, ये देखो 300 का पूरा ये बंदा होता है, 270 का ये बिक रहा है, इसको करते हैं सेल। अपने पास 228 रुपीज आ चुके हैं, रुक जाओ मेरे को थोड़े बहुत और लेके आने दो वो, जिससे कि मैं एक और
पिगी खरीद सकूं, और वो पिगी भी मेल वाला ही खरीदेंगे क्योंकि मैंने मेल वाला पिगी मारा है। वो पिगी को खिला खिला के फिर से मार देंगे और बेच देंगे भाई। चलो बाकी अभी मेरे को कोई डियर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, डियर दिखे तो काम बने क्योंकि अब तो मैं गोलियां वोलियां भी ले आया हूँ। और इस पेड़ को काटो, साढ़े बीच में बताना मेरे। लो भाई 270 का वो बिका, अब ये देखते हैं कितने का बिकने वाला है। 1 2 3 ठीक है, और ये 4 ये 5 भाई बिक जाएगा आराम से, 100 का बिक जाएगा। चलो इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं भाई इसको कुछ हुआ तो नहीं ना। ठीक है भाई कुछ हुआ तो नहीं है। खाना पीना रखा हुआ है यहाँ पे, और रखा हुआ है एक्स्ट्रा खाना, और अभी मैं लेके आने वाला हूँ और थोड़ा बहुत खाना। खाने की बहुत कमी पड़ रही है। अरे बंद करो बंद। आज के लिए मेरे पास 228 रुपीज आ चुके हैं और आज का लोन भी चुक गया है। और एक और बंदा मिला, एक और बंदा मिला। रुक जा। अरे शिट, गोलियां खराब हो गई मेरी। दो एक में भी मर जाता है। इसको खड़ा हो दो, एक बार इसको खड़ा हो जान दो। ठीक है कहाँ होगा ये खड़ा यार, भागा। रुक जाना, देख भाई चले ही जा रहा। ओके एक गोली में मर जाता है अगर प्रॉपर निशाना मारो तो। यार इस पे फालतू में 2 गोली खर्च कर देता हूँ। 2 गोली क्या, इस बार तो मैंने 4-6 गोलियां खर्च करी है। इसको खोलो ठीक है, और ये वापस नीचे लुढ़क के गए। चलो एक बार इसको रखो यहाँ, इसको पूरा जमाना पड़ेगा। मेरे को लगा था इससे ज्यादा तो क्या ही मीट लेके जाएंगे, लेकिन ठीक है रास्ते में ये मिल गया, मजा आ गया। इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे। चल भाई इसको उठा, इसको रख यहाँ पे, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ। लेट्स गो, अब चलते जनरल स्टोर। अब वापस से बहुत सारा पैसा आने वाला है। पहले तो मैं यही देखूंगा भाई उस सुगर से कितना पैसा आया, उसको काट के पिगी को काट के। एंड ये आ गया अपन रोड पे। चलो भाई, हेलो मैडम कैसी हो? एक तो अंधेरे में दिखती हो नहीं हो। रुक जाओ, इससे आ रहा है एक 150, मतलब 270 पहले आया, 150 अब आया। भाई देख रहे हो उससे ज्यादा रुपए का बिकाई है, बाकी 45 इससे आया। बाय में चलते हैं, और इस टाइम मेरे पास 423 रुपीज है। ठीक है, तो एक मेल पिग 300 रुपए का प्लस खाना थोड़ा बहुत, एंड सीड्स लेके जाने चाहिए कि नहीं। और मेरे को ट्री सीडिंग भी ले जा सकते हैं अपन, ये किस काम आएगी लेकिन ये नहीं पता है। कॉर्न सीड्स हैं, वीट सीड्स हैं, हाई फ्रेम। ओके क्या मैं मधुमक्खी, इसको ऐड करें क्या? 380 का हो गया मधुमक्खी का सामान, और 20 स्मोकर भी चाहिए पड़ेगा शायद मेरे को। ये भी मैंने ऐड कर लिया है, मैं ले नहीं पाऊंगा इसको। रुको, कार्ट में चलते हैं ठीक है, और एक बैग कम करते हैं अब शायद ले सकते। अरे नहीं यार, एक और कम। अरे यार एक तो फूड का मेरे को लेना पड़ेगा। 20 स्मोकर मैं थोड़ी देर में आके लेके जाता हूँ, पहले बाय में चलते हैं ठीक है। और मैं जो है ये वीट बाय कर लेता हूँ, एक ही खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे को 20 स्मोकर चाहिए। देखते हैं 20 स्मोकर शायद लास्ट में काम आता है, जब अपने वो सारे आ जाती है ना, 20 आ जाती है और हाइव बन जाता है, उसके बाद काम आता है शायद। ठीक है तो इसको रखो यहाँ पे, एक अपने को ही मिला। ये देखो कितना छोटा है। इसको खिला पिला के बड़ा करेंगे, प्रॉपर बड़ा करेंगे। लोड द एनिमल। अरे यार जा ना भाई, E2 ट्रांसपोर्ट, तो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ ना, खाली तो है। इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, इसको ओके। अरे यार अपन ने बाटली लगा रखी थी ना बगल में, इस चक्कर से दिक्कत आ रही थी। अब इसको अंदर रखो, इसको रखो यहाँ पे, ये बीहाइव का वो है, इसको रखो यहाँ, और एक स्मोकर। अच्छा ठीक है स्मोकर खरीदा थोड़ी है। चलो ये 3 चीजें खरीदी थी, तीनों चीजें लेके जा रहा हूँ, एक स्मोकर और चाहिए आज के दिन मेरे को, क्योंकि बीहाइव जहाँ पे भी लगाएंगे ना वो भरने लग जाएगा शायद। बी अपने आप आएगी या फिर बी भी मेरे को लानी पड़ेगी, वो मुझे नहीं पता। इसको लगाते हैं यहाँ पे, और बारिश ही बारिश हो रही है भाई, मेरी फसल खराब हो जाएगी। इसको उठाओ, और इसको कहाँ लगाऊं, यहाँ पे लगा दूं ऐसे ही? देखते भाई, इसको मैंने यहाँ रख दिया है, 0% शो कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। बाकी अपना ये कहाँ है, अबे बच्चे करते भाई, बच्चे करते, कितने दिन पेट में रखेगा। बाकी इसको पकड़ते, कहाँ भग रहा? ओह भग रहा भाई, भग रहा, खाना दूंगा ऐसी बात नहीं है, भगे मत। इधर अंदर अंदर देख, एक यहाँ पे लौंडा और रख दिया मैंने, लौंडा खा पी के बड़ा हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में। और ये खाना और ये सब वहां लेके जाना है मेरे को, क्योंकि वहां की मुर्गियां भी मरने वाली होंगी मुझे ऐसा लगता है। बट मरने हम देंगे नहीं, हम जवाज आदमी है। लो भाई किधर, क्या पानी की कमी नहीं हो रही है, देख रहे हो तुम, पानी शायद ही पी ले रही है। इसको दो, और इसको मैं इस पर है ना कहाँ खोलूं, इसको यहाँ रख के ना यही खोलता हूँ। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें से नहीं खा रही है? अब खा लो भाई, तुम इसमें से खा लो। इसको मैं बंद कर देता हूँ तुम्हारे जाले को, ठीक है। पानी तुम यहाँ से पी लेना, खाना तुम यहाँ से खा लेना। इसके अंदर भी मैंने, अरे यहाँ खोलना चाहिए था ना वो पैकेट, कोई बात नहीं, वो अभी वहां से खा लेंगी और यहाँ से पी लेंगी अभी, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ तुम अंडे दे क्यों नहीं रही हो? अंडे दो फटाफट, फटाफट अंडे दो। चलो अभी मेरे को पेट्रोल वगैरह भराना है। और यार मेरे को ये बी हाइव का तुम कमेंट्स में बताना अगर तुम्हें किसी को पता हो, ये बी हाइव को कैसे और कहाँ लगाना है, मुझे पता नहीं। यहाँ पे भर जाएगा क्या बी हाइव? इस गाड़ी को यहाँ पार्क करके छोड़ देते हैं। इसके अंदर किसी चीज की कमी, ओके सनलाइट मिल गया शायद इसको पूरा, लेकिन और क्या चाहिए इसको? ठीक है भाई अपने आप उग जाएगा, देखी जाएगी जो भी होगा। ये 0% है, इसका मुझे नहीं पता है। बाकी ये बच्चे नहीं दे रहा है, इसका मुझे नहीं पता है भाई, तुम बच्चे दे दो गुरु साहब। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अभी तुम लोग कमेंट्स में मुझे ये बता देना भाई ये बी हाइव को कहाँ रखना है जिससे कि 0% का 100% हो जाए, और फिर अपन शायद स्मोकर इसके नीचे रखेंगे तो सारी मक्खियां हट जाएंगी, और अपन जो इनका हाइव बनता है वो अपन लेके इसको बेच सकेंगे। बाकी अपने पास अभी प्रेग्नेंट पिगी है, वो पता नहीं प्रेग्नेंट ही है, समझ में नहीं आ रही भाई कब बच्चे देगी। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।